रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सुनते हैं। औरत अगर बेटी है तो रहमत, अगर बीवी है तो शोहर के निसफ ईमान का विरसा, अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत। लेकिन हजरत फातिमतुज़्ज़हरा की शान देखिए, इनके वालिद के लिए रहमत वो खुद रहमतुल आलमीन है, और शोहर के लिए निसफ ईमान जो खुद कामिल ईमान, और आपके कदमों में इन बेटियों की जन्नत है जो खुद जन्नत के सरदार। सुभान अल्लाह। आज जो मैं वजीफा आपको बताने लगी हूँ बहुत प्यारा, अपनों को पाने का वजीफा, हस्बैंड वाइफ का अगर कोई मसला हो, बहुत ज्यादा बात खराब हो चुकी हो, बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हो, तो ये वजीफा आप एक दफा जरूर करें। जैसा मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो इंशाल्लाह आप कभी भी आपको नाउम्मीदी नहीं होगी। 111 मरतबा का अमल आज आपको बताने लगी हूँ। जैसा आप चाहेंगे इंशाल्लाह वैसा होगा। हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आप पे मेहरबान होगा, कोई रूठा है तो राजी होगा, कोई नाराज है, कोई छोड़ के जा चुका है तो फौरन आपके पास आ जाएगा। एक दफा ये वजीफा जरूर करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कभी ना उम्मीद नहीं होगी। अगर आपका कोई प्यारा, कोई आपसे बहुत प्यार करता था, रूठ गया है, दूर जा चुका है, और अगर आप शरीयत के लिहाज से शादी करना चाहते हैं या आपका रिश्ता नहीं, रिश्तों की बंदिश है, तो ये वजीफा आपके लिए अनमोल खजाने की तरह है। तो ये एक दिन का सिर्फ वजीफा है, एक दफा जरूर कीजिएगा। सूरह कौसर सिर्फ एक बार आपने पढ़नी है, और आपका प्यारा आपसे इतना प्यार करेगा कि आपके प्यार में वो इतना दीवाना होगा, जब तक आपसे मिल न ले उसको सुकून नसीब नहीं होगा। बस तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो तरीका इख्तियार करें। चंद दाने चीनी के, चंद दाने चावल के, अगर आप हिसाब के मुताबिक लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच चावल, कच्चे चावल लेने आपने। पढ़ाई का वक्त मुकर्रर, फजर से पहले मगरिब, इशा, तहज्जुद, दिन जुमे का, जुमेरात का, इतवार का। पढ़ाई का वक्त भी मैंने आपको बता दिया। लिबास पाक साफ, सफ़ेद हो तो मोतबर, नहीं तो पाक साफ, नहीं तो दुपट्टा सफ़ेद जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 3, बावजू आप ये अमल करें, आपको जिसके लिए अमल करना है उसकी तस्वीर या तसव्वुर या फिर आपको उसका नाम आना चाहिए। नंबर 4, जब आप अमल करें तो तवक्कुल कामिल करके अमल करें, कबूलियत की उम्मीद रखें। नंबर 5, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से तल्लक कायम करें, जो करना है मेरे रब की साथ में करना है, मेरे रब को आपसे रिश्ते और मोहब्बत पसंद है, ये अमल जरूर करें। नंबर 5, एक बात याद रखें, एक दिन का अमल है, इसमें परहेज कच्चा अदरक लहसुन प्याज है, गोश्त मछली है वो आपने इस्तेमाल ना किया हो, अगर किया है तो 4 से 5 घंटे या 3 घंटे पहले इस्तेमाल किया हो, अच्छे तरीके से मसवाक कर लें, ब्रश कर लें, वो भी बेहतर है अगर आपने इस तरह की कोई चीज खाई है तो। वजू से पहले मसवाक जरूर कर लें या ब्रश जरूर मतलब कि आप करें तो अमल आप शुरू करें तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। तसव्वुर में लाके भी अमल कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपने चावल है, चीनी है, उन पे दम करें, नाम लेके सूरह कौसर एक दफा पढ़ के वल आखिर दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ें। चावलों पर चीनी पास रख के तसव्वुर में ला के दम करें और कहें तसव्वुर में कि या अल्लाह पाक, ये मैं चूटियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए या परिंदों के लिए मैंने ये दम किया है, जैसे ही वो खाएं और दुआ करें मेरे अपने को, मेरे प्यारे को मिलाने के लिए, उसकी नाराजगी ख़त्म करने के लिए, और वो मेरे पास लौट आए। ये हस्बैंड वाइफ मियां बीवी के लिए भी उतना ही मोतबर है
रिश्तों की बंदिश खत्म करने के लिए भी ये वजीफा कर सकें। बस आपने इसको किसी वीरान जगह या किसी ऐसी जगह डाल दें जहाँ पर चूटिए या कोई जैसे कीड़े मकोड़े हशरात होते हैं वो इसको खा लें। आप यकीन माने कि दोबारा और किसी अमल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यारा, आप जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप दिल में बहुत मोहब्बत रखते हो, यहाँ तक कि मियां बीवी के मसले में तलाक तक का मसला तो बनौज भी ना दे, तब भी सिर्फ ये अमल करें। परिंदे ये अपनी नीयत डाल दें जहां पर आपने कीड़े मकोड़ों में मतलब कि आपने डालना है ये चावल और चीनी दम किया हुआ, इसका वाज़े फर्क अगले दिन आप देखें। और दुआ करें कि ये चूटियां वगैरह चुन लें, अगर घर में कोई परिंदा है तो वो खा ले, तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जरूर ये वजीफा करें, अमल करें। अमल का तरीका भी मैंने बताया है, वजीफे का तरीका भी मैंने बताया है, आप ये करें। रिश्तों की बंदिश के लिए भी ये वजीफा बहुत नायाब है, एक दफा जरूर कीजिए। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई परेशानी है, इस्तखारा रूहानी इलाज की जरूरत है, अपनी बहन को याद रखें और मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी, आप फेसबुक पे मैसेंजर पे भी बात कर सकते हैं, मेरे ईमेल पर भी बात कर सकते हैं। आपके लिए आपकी बहन हाजिर, इंशाल्लाह आपकी हर तरह से मदद करेगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।